हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस डबल मीनिंग की एक और नई वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने 3 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा बैग है जो भीगने पर ही काम आता है? जी फ्रेंड्स, ऐसा एक बैग है, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो सुना भी होगा, और जो भीगने के बाद ही काम आता है अक्सर। तो अगर आपको मालूम है, नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूले, इसका सही आंसर हमें जरूर बताएं। और आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास कोई है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, या फिर आप हमसे जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम आने वाली वीडियो में जरूर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका समय चालू होता है, नीचे कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब कौन सा है। और अगर आपको मालूम है तो थोड़ा जल्दी करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग लाइक करने में बहुत खींचातानी करते रहते हो यार, प्लीज़ तो लाइक का बटन तो जरूर दबा दे करें। लाइक करने में, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे क्या होता है कि आपके दोस्त भी यहाँ पर देख के वीडियो को खुश हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है टी बैग। टी बैग मतलब एक चाय का बैग होता है जो भीगने के बाद ही काम आता है। अगर आप देखा होगा, एक टी बैग आता है, अगर वो आप कप में डुबाओगे, कप में अंदर दोगे, तो उसका जो दूध का कलर होगा वो टी बैग का मतलब होगा, उसका कलर छोड़ देगी अपना। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर वह कौन है जो सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती है पर पास रात में ही आती है? जी फ्रेंड्स, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझिए एक बार फिर से। वो कौन है जो सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती है और पास सभी के आती है लेकिन रात में आती है अक्सर? तो अगर आपको मालूम है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। देखते हैं यहाँ पर आपके पास कितनी नॉलेज है, अगर आपको मालूम है नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और इस क्वेश्चन को जानने के बाद यार, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है बार बार, तो प्लीज़ यार लाइक का बटन तो जरूर दबा दिया करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वो नींद है जो सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती है पर पास सभी की आती है लेकिन अक्सर कर रात में ही आती है। तो उसको बोलेंगे यहाँ पर नींद। एक वर्ड का क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाना हमारा फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में पैदा होती है और पानी में ही मर जाती है? जी फ्रेंड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से पैदा होती है और पानी में ही मर जाती है? तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, आपको अच्छे समझना होगा, और अगर आपको मालूम है नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए, यहाँ पर आपको बताना होगा इसका सही जवाब, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते हैं आपके पास भी कितने दोस्त हैं और कितने आप उनको शेयर करते हो, तो अपने व्हाट्सअप फेसबुक पेज पर जरूर बताएं और उनको शेयर करके। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सही जवाब है, ऐसी चीज़ है नमक जो पानी में ही पैदा होती है और पानी से ही मर जाती है। आप एक बार देखा होगा, आपने सुना होगा कि समुंदर से नमक बनता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा अगर पानी में नमक आप डाल दोगे तो वो वहाँ पर ही नष्ट हो जाएगा। तो है ना, बड़ा कमाल का क्वेश्चन, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोजाना इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।